चलो सुनाओ भाई, कल तक के लेक्चर में अपने क्या कर लिए थे, 5.1 के तीन क्वेश्चन देख लिए थे राइट ना, जिसमें कोलिनियर है या नहीं पहचानने का अपने को था, करेक्ट ना। आज के लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं, ओके ना। तीन पॉइंट दिए वाले रहते हैं, अपने क्या करना होता है, पी क्यू का फासला, क्यू आर का फासला और पी आर का फासला मालूम करना होता है। सब बोलते रहो भाई, जो नहीं बोलेंगे ना अब्दुल्ला फौजा, नहीं बोलेंगे तेरी नाक निकाल के यहाँ पर रख दूंगा मैं, समझ रहा इस तरह से। ओके भाई चलो, पी ऑफ -2, 3 इसमें कौन रहता भाई, x1 और y1, यस सर, ओके। क्यू ऑफ 1, 2 हाँ बेटा, x2, ओके, y2, वेरी गुड। चलो बेटा r ऑफ, हाँ बेटा आ जाओ, x3, हाँ y3, ओके ना। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो उसने तीन पॉइंट दे दिया अपने को, उन तीन पॉइंट के अंदर इस तरह x1, y1, x2, y2, x3, y3 को फाइंड कर लेते, निकाल देते, करेक्ट ना, लिख देते। ए भाई खामोश बैठना, सर नहीं आए अंदर। चलो इधर आ जाओ। तो क्या ये पी क्यू आर उसने दे दिया अपने को, अपने यहाँ से डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए राइट ना। अभी क्या करना होता है अपने को, पी क्यू का फासला, फिर क्यू आर का फासला और लास्ट में प्यार, ओके ना, का फासला। जहाँ प्यार होता है वहाँ फासला नहीं होता यार, गलत किस है यार, देखो इतना समझता तेरे को अबे, गलत है ना बॉस, ऐसा वहाँ पर दूसरा सिखाते ना। अच्छा ये वाला पी आर, ओके चलो आ जाओ इधर आ जाओ भाई। सबसे पहले अपने को पी क्यू को फासला निकालना, डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू, ओके बॉस। बॉस क्या तरीका अप्लाई करने का, वो फार्मूले वाला, विदाउट फार्मूला चलता, आ जाओ चलो इधर देखो सब जानो क्या होंगे। यहाँ पर पी क्यू है तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस यानी 1 माइनस 1 माइनस अब 1 माइनस 2 नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस 2, क्लियर हुआ, ओके। चलो स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में, अब देखो y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर, डबल समझो कह रहे, अच्छा ओके, 1 और 2 का प्लस 2 में से 3 जाता, 3 में से 2 गए, माइनस 1 का, अरे वाह बहुत मस्त हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर, ओहो 3 का स्क्वायर 6 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, बुरी गत के 9 और 1 डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू राइट ना, ये मिल गया अपने को। टुकड़े होते क्या इसके, नहीं तो हो सकते 2×5 10 होता, लेकिन 2 भी निकलता नहीं बाहर और 5 भी निकलता नहीं, इसलिए टुकड़े नहीं करने का। आ जाओ डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे, पी क्यू के बाद क्यू आर इज इक्वल टू, हाँ भाई बोलो, क्यू आर में कैसा करेंगे, ये क्यू और आर ये दोनों में हाँ कैसे करेंगे इसको, इन्हें माइनस इन्हें, इन्हें माइनस इन्हें, तो कितना होता 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2 का स्क्वायर राइट बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे आमिर सर के स्टूडेंट पढ़ रहे। चलो 4 में से 1 3 का स्क्वायर प्लस में 1 में से 2 जाता नहीं, 2 में से 1 गया, माइनस 1 का स्क्वायर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलो आ जाओ 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1, आए हाय, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर क्या आ रहा बेटा, ओके आपके मोबाइल का क्यू आर कोड स्कैन कीजिए, ओके 9 और 1 10, बाहर निकलता क्या, पी और आर फिर से आ गया हमारे दरमियान, कौन पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी आर, हाँ बेटा वो उत्तर छे ज़्यादा छोड़ो ना, ऐसा धोखा मिलता नहीं तो फिर 4 में से 2 आ जा, 4 में से 2 नहीं जाता भाई, यहाँ पर कैसा करना अपने का 4, ओके ना 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर राइट ना, प्लस में और यहाँ पर 1 माइनस में 3 का स्क्वायर है ना, इन्हें माइनस इन्हें, इन्हें माइनस इन्हें, यस सर, ओके वेरी गुड बेटा, बोलते रहो। चलो 4 और 2 6 होते, 8 होते ना 4 और 2 ऐसा क्या, 1 में 3 माइनस का 2 का स्क्वायर राइट बेटा, अरे वाह वाह 6 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, अरे वाह वाह 40, अरे वाह 20 दो 40, ओए कितना होता 4 जरा 10, वाह बाहर निकल के 2 रूट में आ रहा क्या, सबका आ रहा ये, हाथ हुआ कितों का आ रहा, बोलो यस सर। चलो अभी देखो इसके अंदर डिस्टेंस ऑफ क्या है, प्यार, आए हाय जो किसी को नहीं मिला वो तुम्हें कैसा मिलेगा, भी नहीं हो सकता। चलो आ जाओ डिस्टेंस ऑफ अभी क्या निकालना है, अभी क्या करना है अपने को बेटा, ये वाला
ये वाला देखो PQ कितना मिला रूट दस, दूसरे वाला देखो दस, तीसरे वाला दो रूट दस, तो बड़ा कौन हुआ सबसे? हाँ तो उसको वन साइड ले लेंगे, डिस्टेंस ऑफ PR है ना, अरे यार यूनुच हमेशा PR ज़्यादा बड़ा आ रहा हो, डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस में डिस्टेंस ऑफ QR राइट ना, ये ट्रिक याद है ना, सबसे बड़े वाले को वन साइड, बच्चे वाले छोटे को प्लस, इसकी कीमत यहाँ पर, इसकी कीमत यहाँ पर, इसकी कीमत यहाँ पर, यस सर, रूट दो, रूट दो, दो रूट दस, अरे रूट दस, रूट दस, दो रूट दस इजिकल टू इजिकल टू दो रूट दस का रूट, दो रूट दस राइट, सेम मिल रहे नहीं मिल रहे, तो लास्ट लाइन क्या लिखते, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके ना, दिए गए नुकात हम खाती नुकात सब क्या आ रहा, चलो लिखो पक्का, नया क्वेश्चन लगा दूँ, अरे बाबा मतलब तुमको समझ में आ रहा सब है ना, आप करने भी आ रहा ना, हाँ बेटा मौसम अकेडमी में पढ़ रहे ना, नहीं हाँ कोलिनियर है कि नहीं पहचाने के, लेकिन इधर आगे और भी है देखो, हाँ यहाँ पर है, इधर अब यहाँ पर पेज नंबर 104 पे मिलते हो क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जांपल में सॉल्व करके ऑलरेडी दिए वाले हो, ओके ना, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं अभी, पॉइंट है बेटा ए है अपने पास -3.2, बी है अपने पास 1.-2 और सी है अपने पास 9.-10, ओके बिल्डर, बोलो यस सर, ओके बिरयानी मिलने वाली है आज, बोलो यस सर, बिरयानी खेंगे हम सब मिलके, बोलो यस सर, हम सब पैसे देंगे, बोलो यस सर, हाँ हम सब भीख मांगेंगे, बोलो यस सर, सॉल्व करना है इसको, देखो सबसे पहले अपने पास ए कितना है बेटा, सब जनों बोल रहे नहीं बोल रहे, जो नहीं बोला ना बेटा उसका नाम लेके यहाँ पर फातिया देता रू जरा, हाँ कितना है यहाँ पर x1 हाँ y1 हाँ इस तरह से, बी के अंदर 1.-2 x2 1 और y2 ओके, सी कितना है, ओके ओके बेटा x3 ओके y3 यस सर, ओके अभी क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस ऑफ a, b करेक्ट ना, चलो कैसा निकालते बेटा बताओ, x2 - x1 क्या है, x2 1 फिर माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस 3 है ना का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, यस सर, अरे वाह 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 वाह, चलो 1 और 3 का प्लस में -4 का, यस सर, ओके देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, अभी मैंने ट्रिक बोला था, हाँ अभी मैंने क्या सिखाया था, अगर 2 दफ़ा 16 आ गया है ना, 16 प्लस 16 तो अपन उसको 2 × 16 लिख सकते, 2 मरतबा 16 राइट, तो भाई 2 अंदर रह जाता और 16 बाहर निकल के 4 हो जाता, क्लियर हो रहा क्या, डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल गया इक्वेशन नंबर राइट ना, भाई इसके अंदर इंक नहीं दिख रही भाई, इन्हें चलेगा कि नहीं, बिस्मिल्लाह, हाँ चल रहा वाह, चलो आ जाओ है, अच्छा बेटा चला आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन नंबर सॉरी डिस्टेंस ऑफ बी सी, हाँ बेटा बतलाओ, चलो क्या फॉर्मूला रहेगा, अब ये बी सी है तो इन्हें x3 - y3 - हाँ बोलो कितना होता है, 9 - 1 का स्क्वायर प्लस, हाँ बेटा बोलो -10 प्लस 2 बेटा, -10 और माइनस फिर उसमें माइनस 1 है तो -- प्लस 2 का स्क्वायर राइट बेटा, चलो अंडर रूट में ओके 9 - 1 8 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, हाँ वेरी गुड, माइनस प्लस 10 में 2 गए -8 का स्क्वायर राइट ना, हाँ चलो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मैंने बोला सेम मिला तो क्या करने का, 2 × 64 64 + 64 का मतलब 2 × 64 राइट ना, 64 बाहर निकला तो 8 अंदर कौन बचा, 2 खाली, यार नहीं समझ रहा यार, यहाँ पर 16 16 डबल था, 2 ज़रब 16 लिखे, यहाँ पर 64 64 डबल है तो 2 ज़रब 64 है ना, 2 × 64 का मतलब क्या है, 2 × 64 मतलब 64 दो मरतबा है, 2 × 16 का मतलब क्या है कि 16 दो मरतबा राइट ना, इस तरह से, चलो अभी क्या निकालना है इसके बाद, डिस्टेंस ऑफ ये क्या निकला, b, c निकला राइट ना, अब इसके बाद क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ a, c निकालना है, चलो आ जाओ यहाँ पर, आप बताओ AC में कौन है बेटा, 9 x3 - x2 x3 - x1 9 - - +3 का स्क्वायर राइट प्लस में y3 - -10 -2 का स्क्वायर वेरी गुड, चलो बेटा आ जाओ इधर, 9 3
12 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, राइट बेटा? आ जा बेटा, 12 का स्क्वायर प्लस में, अच्छा 2 टाइम 144, राइट ना? हाँ, दो मरतबा 144 आ गया, इसलिए अपन कैसे लिख सकते हैं 2 into 144। अब 144 बाहर निकलने पर 12 और अंदर 2, 144 बाहर निकल गया तो 12 हुआ और अंदर 2 बचा, क्या मिला? डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी। ओके बिलाल, यहाँ तक सही है बेटा? आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। उसके बाद देखो आप क्या है, आप निकाल, आपने को तीनों चीज़ें मिल गया ली, इसके अंदर मतलब बड़ा कौन है? 8√2, 4√2, 12√2, सबसे बड़ा कौन है? हाँ, तो वन साइड लिखिए डिस्टेंस ऑफ ए सी सबसे बड़ा है, छोटे कौन है? डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, राइट ना? ये कितना है बेटा? डिस्टेंस ऑफ ए बी 4√2 प्लस में 8√2 इजिकल टू ये डी ऑफ ए सी कितना मिला? 12√2, राइट ना? चलो देखो इन्हें कितना हो रहा, 4 और 8 देखो ये सेम है, √2 √2 सेम है तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 4 और 8 12 √2 का √2 इजिकल टू 12√2, राइट? क्या इधर इधर सेम दिख रहे तो क्या बोलेंगे भाई? कोलिनियर है, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिए गए नुकात हम खत नुकात है, ओके ना? चलो आप क्या करेंगे, हाँ लिखना है क्या?